मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, मोदी तेरे राज में अंधेरा ही आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। एक मिनट बाबा जी, एक मिनट थोड़ा सारा करो जी। आज का ये जो प्रोटेस्ट है और आज का ये जो कैंडल मार्च है मणिपुर की औरतों के लिए रखा गया है। मैं आपके समक्ष सिर्फ चार तथ्य रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, मणिपुर की औरतों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और वो एक सभ्य समाज में रहने लायक बात नहीं है। हमारा दिल, हमारे मानवाधिकार, इन सब की हत्या की गई है। दूसरा तथ्य, माई हेड हैंग्स इन शेम। 4 मई का ये हादसा है। 18 मई को पुलिस कंप्लेन गई। 70 दिन तक, जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ, पुलिस ने और राज्य प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया इस मामले में। अब जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स्ड आफ्टर थॉट। दूसरी बात, एक विक्टिम जिस लेडी के साथ गलत किया गया उन्होंने बड़े ही बेहतरीन शब्दों में कहा है और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी, वी वर गिवन टू द पुलिस बाय देम। इसका मतलब पुलिस ने खुद महिलाओं को उस मॉब तक छोड़ा। दूसरी बात, सीएम बीरेन्द्र सिंह कहते हैं दैट द पुलिस हैज टेकन सुओ मोटो एक्शन। अगर सुओ मोटो एक्शन लिया होता आपने तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। तीसरा तथ्य, 140 लोग मणिपुर में मर गए, 40,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, 7,000 घर जल गए, मॉब हंटिंग हो गई, रेप हो गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें क्रोध आता है, उन्हें आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट इज ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू सी टू इट एंड टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल अग्रेशन। आर्टिकल 356 जो कि एक राष्ट्रपति राज की बात करता है, ना तो उन्होंने 355 को माना और 356 को भी नहीं माना और भारत के संविधान की अवहेलना करी। नेक्स्ट तथ्य, जी हाँ, मणिपुर में प्रॉब्लम है और सिचुएशन बहुत खराब है। आखिरी बात जो मैं आपके समक्ष रहना करना चाहूँगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 फरवरी 2017 को एक ट्वीट किया। आई एम रीडिंग आउट द ट्वीट टू यू दोस्त। मैं आप सभी मीडिया वालों को ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बात को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। उनकी स्टेटमेंट थी, दोज हु कांट इंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 140 करोड़ की आबादी है भारत की। माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। 22 और 23 जुलाई को तकरीबन 718 रेफ्यूजीज जो हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर के थ्रू इंडिया में एंटर करें, इसके लिए उनको जवाब देना होगा। रूल 287 ऑफ द राज्यसभा कंडक्ट रूल्स, वो कहता है मणिपुर पे चर्चा हो मगर उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा करनी है। अंत में मैं मोदी सरकार को एक और बात कहना चाहूँगी कि कहिए, जब स्टेट ने ऑर्डर दिए थे डिप्टी कमिश्नर्स को शूट एट साइट के, तो आप आइए और एक्सप्लेन करिए। आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जब ये बात राज्यसभा में उठाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अंत में इन सभी कार्यकर्ताओं, इन सभी ऑफिस बेयरर्स के साथ मैं आप लोगों तक एक आखिरी बात पहुंचाना चाहूंगी कि नीम का जो पत्ता होता है उसकी कड़वाहट भी कहीं ना कहीं आपका खून साफ करती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आइए आगे बोलिए, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता तुम्हें सुनना चाहती है, जवाब चाहती है तुमसे। धन्यवाद। आखिरी नारा,
ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਛੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਣੀਪੁਰ ਇਥਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਆ ਮਰ ਸਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਪਰ ਜਾਵਾ ਬਸ ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਮੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਦਾ ਖੜਾ ਫਾਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।